नमस्ते दोस्तों, अपडेट्स बिलियंस के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं पूजा त्रिवेदी आज एक और चेक की नई अपडेट लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। इस अपडेट में हम सीखेंगे चेक कैसे भरा जाता है सबसे पहले, और चेक दो तरीके के लिखे जाते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे हम, वो भी आज हम इस एपिसोड में सीखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहली डिटेल के साथ, ये जो इस तरफ मैं कैमरा लेके जा रही हूँ, ये देखिए, ये जो डी डी एम एम और वाई ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले दिनांक लिखी जाएगी, तारीख लिखी जाएगी। ये जो सबसे पहले दो बॉक्स हैं, ये डी डी लिखा हुआ है सबसे पहले, इस पर हम जो तारीख का चेक है, जिस तारीख को हम पेमेंट करना चाहते हैं, वो तारीख यहाँ पर लिखी जाएगी। दूसरा महीना, महीना कौन सा है, जहाँ पे एम एम दो एम एम लिखा हुआ है, तो ये एम एम में लिखा जाएगा महीना। और ये जो चार वाई हैं सबसे पीछे आखिरी के चार बॉक्स, यहाँ पे साल लिखा जाएगा कि ये कौन सा साल है। उदाहरण के तौर पर आज का अगर मैंने चेक लिखा हुआ है, तो आज की तारीख 7 है 07, महीना कौन सा है दूसरा 02, और साल कौन सा है 2021 2021। तो इस तरह से ये दिनांक भरी जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो सबसे पहला पे कॉलम है, ये सबसे पहली लकीर है जो पे वाली, तो ये जो पे वाली लाइन है सबसे पहली ऊपर वाली, जहाँ पे मैं पेन से दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे हम जिसको चेक पे करना चाहते हैं, जिसको रकम देना चाहते हैं, यहाँ पे पहली लाइन में उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो दूसरी लाइन है, ये रुपीस लिखा हुआ है, तो ये दूसरी लाइन में हम, और ये भी दूसरी, और ये जो तीसरी लाइन है, यहाँ पर हम शब्दों में लिखेंगे कि कितने रुपए हमें देने हैं, या अगर हम खुद भी उठाते हैं चेक से, तो यहाँ पे रकम शब्दों में लिखी जाती है कि ये कितने रुपए मुझे उठाने हैं। उदाहरण के तौर पे मैं 5000 रुपए बैंक से निकाल रहा हूँ खुद चेक से, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा शब्दों में, 5000 रुपीस ओनली। ओनली का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। ओनली क्यों लिखा जाता है यहाँ पे, ताकि उतनी ही रकम आपके खाते से निकाली जाएगी, उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं, इसलिए यहाँ पे ओनली लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। अब इधर ये जो बॉक्स है, ये वाला, ये देखिए हमारी करेंसी का सिंबल है, हमारी जो मुद्रा है भारतीय मुद्रा, उसका चिन्ह है ये रुपए। अब यहाँ पे इस बॉक्स में अंकों में रकम लिखी जाएगी, जैसे मैंने उदाहरण बताया था 5000, तो यहाँ पे अंकों में लिखा जाएगा 5000, ये हो गया 5000। इस बॉक्स में अंकों में रकम लिखी जाएगी, जितना आप उठाना चाहते हैं खुद या किसी को पे करना चाहते हैं। अब ये जो चौथा वाला कॉलम है, ये यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको जूम करके लेके जाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर है, हमारी दस्तखत है, तो इससे ऊपर हमेशा हमें दस्तखत करना है, इसके नीचे नहीं करेंगे कभी भी दस्तखत। ये जो नाम लिखा हुआ है हमारा, उसके ऊपर ही हम लोग दस्तखत करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दो तरह के
चेक पे किए जाते हैं आमतौर पर। एक है अकाउंट पेई और दूसरा है बेरर चेक। देखिए यहाँ पे ये जो पहली लाइन है उसके अंत में क्या लिखा हुआ है, बेरर, बेरर लिखा हुआ है, राइट। बेरर को हिंदी में धारक बोलते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे अकाउंट पेई के तौर पे चेक देना है किसी को, अकाउंट पेई का मतलब क्या है कि हम इधर जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को पे करेंगे, उसी के खाते में ये जाएगा पैसा। ये क्या है, अकाउंट पेई। अकाउंट पेई लिखते कैसे हैं, अब ये देखिए। जैसे हम कैंसल्ड चेक में क्या करते थे, पूरा आर पार चेक के दो ऐसे लाइन क्रॉस में करके उसके बीच में हम लिखते थे कैंसल्ड, जबकि यहाँ पे अकाउंट पेई के लिए क्या लिखा जाएगा, इधर ऊपर वैसी ही दो लाइन करके ऐसे, एक इधर ऐसे एक इधर, और ये दोनों रेखाओं के बीच में क्या लिखा जाएगा, अकाउंट ए ओब्लिक सी, ए बटा सी और पेई पी ए वाई डबल ई, दो बार ई ऐसे। तो यहाँ पे ये दो लाइन ऐसे क्रॉस में खींच के और ये दोनों लाइंस के बीच में अकाउंट पेई अगर हम लोग लिखते हैं, तो जिस इंसान का नाम इधर पहली लाइन में हमने लिखा हुआ है उसी को ये चेक पे किया जाएगा, उसी के खाते में ये चेक जाएगा। और दूसरी बात, ये जो हम अभी पढ़े ये बेरर है, बेरर मतलब जिस इंसान के हाथ में ये चेक होगा उसी को ये रकम दी जाएगी। बेरर के लिए भी हमें क्या करना है, वैसे ही यहाँ पे दो लाइन खींच के हमें इधर दो लाइनों के बीच में हम बेरर लिखेंगे। बेरर लिखते ही क्या हो जाता है कि जिस इंसान के हाथ में ये चेक होगा उसी को ये रकम दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों कि बेरर चेक है और बेरर चेक को बहुत संभाल के इस्तेमाल किया जाता है या दिया जाता है, गलत हाथों में ना पहुँचे। एंड एक बात और फिर से मैं याद दिलाऊंगी, हमारी बैंक की कोई भी डिटेल्स, आपके बैंक के खाते की किसी भी तरह की जानकारी हम किसी से भी साझा नहीं करेंगे। अपना ओटीपी, अपना पासवर्ड, अपना अकाउंट नंबर या इससे जुड़ा हुआ कोई भी तथ्य या जानकारी हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। हमारी सुरक्षा हम खुद करेंगे, हम किसी को भी ये नहीं बताएंगे। इस तरह से दो तरह के चेक भरे जाते हैं। आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से, अपने परिजनों से शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वो अपना काम सरलता से कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।